लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क कई बार सुने और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो ऐसा समझो, लाइब्रेरी हम तब यूज करते हैं जब हमारी वेबसाइट के अंदर या हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं। वहीं फ्रेमवर्क का काम होता है हमारी वेबसाइट जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर एनवायरमेंट प्रोवाइड करना। नहीं समझ आया? ऐसा समझो कि आपको एक घर बनाना है और आपको एक बड़ा सा घर बनाना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक बना बनाए आप फ्लैट खरीद लो और उसको आप अपने हिसाब से सजा दो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दो और आपका घर बन के तैयार है, या फिर आप पहले प्लॉट खरीदोगे, प्लॉट के बाद सारा आप उस पर फाउंडेशन बनाओगे, पिलर्स खड़े करोगे, अपने हिसाब से कमरे बांटोगे। आपका मन कर रहा बड़ा वाला बाथरूम बनवाना, आप बनवा लो, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और ये है लाइब्रेरी, मतलब जो बना बनाया करता वो फ्रेमवर्क है, जो हमारा जो हमने खुद हाथों से बनाया वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में फायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। फ्रेमवर्क में उतनी ज़्यादा लीनियंट नहीं हो पाते हम लोग। ये है रियल डिफरेंस। और मेन जो डेफिनेशन है वो आपको नीचे लिखी हुई दिख रही होगी, उसको ध्यान से पढ़ लेना, और अगर कोई भी पूछे तो यही एग्जाम्पल से समझा भी दे।